ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन आपके पास सेल्स जिससे भी होगा हमारे पास वैसे ही हम करेंगे। हमारे पास है सेल्स, सेल्स कितनी है, सेल्स हमारे पास है 1.50। फटाफट अपना पेन कॉपी हाथ में रखना और जल्दी से निकालना है। आपके पास फिक्स कॉस्ट 30,000, फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये और प्रॉफिट है आपके पास 40,000 रुपये। जल्दी जल्दी बताना आंसर, आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करनी है वेरिएबल कॉस्ट, करो फटाफट, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था। जल्दी बताओ, कितना? 30,000 रुपये। नहीं, और कोई बताओ, अस्सी हजार रुपये, और कोई बताओ, 80,000 रुपये, और कोई स्टूडेंट, कितना? 30,000। कोई 80 बता रहा है, कोई 30, एक बताओ जल्दी से। बताओ सुन, सीमा तेरा कितना आया अभी? अरे सारे बताओ, सना बता कितना आया, रीना मैडम बताओ, एक मिनट में दूसरा क्वेश्चन आ गया। कितना आया? 80,000। बिल्कुल आसान तो था, बेसिक इक्वेशन थी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, जो जो चीज़ है वो लिख दो। सेल्स कितनी है? 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी, कंट्रीब्यूशन अपने आप आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30,000 और प्रॉफिट कितना है 40,000, तो ये दोनों 70,000 हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आगे 70,000 रुपये, और इधर आप वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो कितने आगे 80,000। सिंपल सा अगला करो, अगला क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट है आपके पास 2,50,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 15 रुपीज, आउटपुट है 75,000 यूनिट्स का, आपको प्रॉफिट बताना है कितना आया, जल्दी से करो, शाबाश। काजल क्वेश्चन कर भैये, करो शाबाश ऊपर वाला, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। बताओ सर, 1,25,000, और कोई बताओ, हाँ भाई बताओ, निकला या नहीं निकला, डाउट है क्या है कुछ बताओ, 80,000 प्रॉफिट, इसका भी 80, चलो देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, और किसी का निकला है तो बताओ, मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व इसको। सबसे पहला काम होना चाहिए आपका ये लिखना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, जो जो चीज़ है फिल कर दो बस।
ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, आउटपुट, आउटपुट 75,000 है, सेलिंग प्राइस है 15, ठीक है, ओके। कितनी वैल्यू आ गई, वेरिएबल कॉस्ट है 10 पर यूनिट, तो यानी 7,50,000 आ जाएगी, तो और इसको करेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 11,25,000 रुपये, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आया बताना एक बार, कितना आया, 3,00,000, 3,75,000 रुपये आ गया। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2,50,000 रुपये, कितना आ गया प्रॉफिट, 1,25,000 रुपये। बिल्कुल आसान सी, इस इक्वेशन को पुट करना है आपने बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आपके पास ये दे रखा है वो डेटा, सेल्स 1,00,000, प्रॉफिट 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 70%, कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट और सेल्स एट डिजायर सेल्स फॉर 40,000 प्रॉफिट, करो कैलकुलेट, शाबाश। चलो शाबाश, तब तो मैं अगला लिख लेता हूँ। सेवेंटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये कर रहे हो नीशु, ये वाला क्वेश्चन करना है, बताओ इतनी देर में आंसर, इतने स्पीड कम कैसे हो रही है। कितना, 20,000 क्या प्रॉफिट कमाना है 40,000, तो कितनी सेल्स करोगे, सेल्स डिजायर प्रॉफिट ऑफ 40,000, 30% पीवी रेशियो, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेल्स 1,00,000, प्रॉफिट 10,000, वेरिएबल कॉस्ट 70%, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो सीधी सी बात है, अगर ये 70% है तो दूसरा आ गया पीवी रेशियो, तो वो कितना आ गया, 30%, ठीक है, एक चीज़ तो निकल गई, ठीक है। दूसरा बताओ, फिक्स कॉस्ट इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना लो, इक्वेशन क्या बनेगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स कितनी है, 1,00,000, इसका 70%, 70,000 रुपये क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, 30,000 रुपये, फिक्स कॉस्ट है नहीं, प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपये, तो ये कितना आ गया, 20,000 रुपये निकल गया फिक्स कॉस्ट भी। अब आपको क्या चाहिए, सेल्स फॉर 40,000 के लिए सेल्स कितनी है, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो, यही है ना। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है अपने पास, फिक्स कॉस्ट आ गई 20,000 प्लस में 40,000 डिवाइड में 30%, इसको सोल्व कर लो कितना आ गया, 60,000 डिवाइड में 30, कितना आ गया, 2,00,000 रुपए आ गया, ठीक है, निकल गया, कोई डाउट है। 30% देखो, 70% है ना वेरिएबल को, सिंपल सी बात है, तो इसका जो रिमेनिंग बच गया है आपकी पीवी रेशियो होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, 1,00,000 में से 70 गया, 70% 70,000 कितना बचा, 30,000 30% ही होता है, वैसे भी 30% ही है, वेरिएबल कॉस्ट के रिमेनिंग जो बच गया कंट्रीब्यूशन ही होता है, ठीक है, निकल गया भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ईयर 2000
2011 का डेटा, 2012 का डेटा, सेल्स दे रखी है 140, 160, प्रॉफिट 15,000, 20,000। आपको कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, सेल्स एट और ₹40,000 का प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट बताना है जब सेल्स आपकी 1,20,000 हो। तीन चीज़ें करनी है, करो शाबाश फटाफट फटाफट। डिजायर प्रॉफिट भी निकालना है एंड सेल्स भी दी हुई है उस पर प्रॉफिट बताना है, सारा काम करना है। करो शाबाश। पीवी रेशियो 25, ठीक है आप कैलकुलेट करो मैं देख लूंगा। एक की 80%, एक की, अच्छा एक ही निकलेगा। जब टू ईयर का डेटा हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड में चेंज इन सेल्स। ये नहीं है फॉर्मूला, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 15,000 कितना आ गया, हाँ तो ये 20,000 का चेंज आया तो 25% आ गया। नेक्स्ट निकालो सेल्स डिजायर 45% का आपके पास प्रॉफिट चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो ये है, कैलकुलेट करो। फिक्स कॉस्ट निकाल लो, नहीं निकालनी आती, कोई भी एक ईयर उठाओ, चलो ये उठा लिया आपने 140 या 160 जो भी मर्जी है वो उठाओ, 140 उठाई सेल्स, 140,000 रुपये सेल्स है, पीवी रेशियो कितना है 25%, तो इसका 25% कितना हो गया 35,000, ठीक है सीधा ये क्या गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से आपका प्रॉफिट घटा दो कितना है 15,000, कितना आ गया 20,000 क्या आ गई फिक्स कॉस्ट आ गया। आई नहीं समझ में, कोई भी एक ईयर का डेटा उठा लो, फिर आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इसका उठा लो इसके भी तो नहीं आएगी। क्या कह रहे हो, 24,000 रुपए की सेल्स पे 40,000 का प्रॉफिट, नहीं भाई ये बात तो बनी ही नहीं आपकी, 2,40,000, हाँ अब ठीक बनेगी, 2,40,000 पे आपकी आ जाएगी। देखो 20,000 इधर आपने लिखा फिक्स कॉस्ट है, 40,000 का प्रॉफिट चाहिए, पीवी रेशियो है 25%, सिंपल सी बात है, तो ये आया 60,000 डिवाइड में 25 × 100, तो 2,40,000 की सेल्स पर आपका कितना होगा 40,000 का प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट बताना है जब सेल्स आपकी 1,20,000 रुपये हो, सेल्स आपके 1,20,000 तो कितना प्रॉफिट होगा बताओ शाबाश। हाँ सेल्स 1,20,000 हो तो प्रॉफिट कितना होगा, सेल्स अगर आपकी 1,20,000 है तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा, बिल्कुल आराम से बेसिक इक्वेशन में पुट करो सब चीजें निकल जाएगी। कितनी 30,000 का प्रॉफिट बताया, नहीं सुने और कोई बताओ भाई, एक लाख 20,000 सिंपल सा लिखो ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, यही तो लिखना है। सेल्स कितनी है 1,20,000, इतनी है ना,
इसका सीधा निकाल लो 25%, कितना आता है? या सीधा इसका 75% निकालो, 25% पीवी रेशो आया है ना, तो वो कंट्रीब्यूशन के बराबर है। इसका 25% कितना आ गया? 30,000 रुपये, यही आ रहा है ना, 90,000 आपकी हो गई। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपये। गुड मॉर्निंग, प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 रुपये। समझ में आया अभी क्या एरर की थी रेशो? निकल गया। हाँ भैया, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? ये काजल क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट फटाफट, अपने माइंड को डेवलप कर लो, तेज गति से कैसे करते हैं ये सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आउटपुट है वो आपका 3,000 यूनिट, फटाफट फटाफट करना, माइंड में आपने लगा देना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस 30, सेलिंग प्राइस आपकी है ₹30 पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी? पर यूनिट ₹20 पर यूनिट। और आपकी फिक्स कॉस्ट आपको दे दी कितनी? 20,000 रुपये, ठीक है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और सेल्स में। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ब्रेक इवन पॉइंट किस किस में? इन यूनिट्स, और दूसरा आपका इन अमाउंट में, रुपीज में, दो चीज़ों में निकालना। बिल्कुल आसान सा है, शाबाश कीजिए। चलो शाबाश, इक्वेशन लिखना। इक्वेशन जैसे ही लिखोगे सब चीजें अपने आप निकल जाएगी। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, बस। सेल कितना दे रखा है? 30, लिख दो 30, ठीक है, आंकड़ा हो गया, 30 आ गया। सेल्स कितना है? 30, वेरिएबल कॉस्ट 20, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 10 पर यूनिट आ गया। तो उसी हिसाब से आपका क्या आ जाएगा? पीवी रेशो कितना आ गया? पीवी रेशो 30%। पीवी रेशो कितना आ गया? 30% आ गया, 33, ठीक है, 33। लेकिन जब भी आपका ऐसे फ्रैक्शन में है ना, तो आप सीपीयू से निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी आपके पास? 20,000। हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। पहले कैसे निकालोगे? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, आपको पता है, अगर आपको इन यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स में निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड में सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20,000, और सीपीयू कितना आ गया? 10। तो यूनिट कितनी आ गई? 2,000 यूनिट्स। यूनिट्स में निकाल लिया, आपको कितना निकालना है अमाउंट में? ये लिख दो, सेल्स 2,000 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस कितना है? 30 रुपये, तो कितना आ गया? 60,000। ये भी तरीका है, या फिर वैसे निकालो फिक्स कॉस्ट प्लस में डिवाइड में पीवी रेशो 33.3। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया। हाँ जी, आया समझ में सभी को? कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में भी और यूनिट्स में दोनों में निकालना है, और दूसरा प्रॉफिट टू आपने बताना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 के लिए कितना सोल्ड करेंगे। आपके पास डेटा दिया हुआ है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आपकी दे रखी है ₹60,000, ठीक है। फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये दे दी आपके पास। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12, ₹12 पर यूनिट, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट आपका दे दिया 3, और सेलिंग प्राइस दे दिया ₹24। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपने कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी और इन रुपीज भी,
और दूसरा आपको 90,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, दोनों कैलकुलेट। करो शाबाश। यूनिट कितने आए? 1,000 यूनिट। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ, और कोई बताओ तब तक पता लग जाएगा। 8,000 यूनिट्स बता रहे हैं भाई, और कोई आप बता रहे हो 1,000। एट थाउजेंड बता रहे हैं भैया, और कोई चेक करो शाबाश। 72, 12, 3, 15, 9 हो गया, कंट्रीब्यूशन 9, ठीक है 8,000 ही आएगा। सिंपल सा है, देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल, 72,000 रुपये हो गए, है ना, ये रिकॉर्ड ही हो रही है, बंद नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी आपकी, 72,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी 15 रुपीज, और सेलिंग प्राइस है 24। तो वही आपकी बेसिक इक्वेशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट और डिवाइड में प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है 24, वेरिएबल कॉस्ट 12 और 3, 15, कंट्रीब्यूशन आ गया 9, ठीक है 9 आ गया आपके पास, चलो यहीं तक हमें चाहिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है 72,000, हमें पता है यूनिट्स में निकालना है, इन यूनिट्स में निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड में सीपीयू। फिक्स कॉस्ट आ गई 72,000, सीपीयू आ गया 9, तो आपकी कितनी यूनिट आ गई, 8,000 यूनिट्स, पहली चीज़ तो निकल के आ गई आपके पास, ठीक है। अगर अमाउंट में चाहिए तो सीधा सा सेलिंग प्राइस में कर दो, इन रुपीज 8,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो 24, जो भी वैल्यू आएगी कितनी आई, 1,92,000, ठीक है ओके। उसके बाद आपने निकालना है सेल्स फॉर रुपीज प्रॉफिट 90,000 रुपीज़। तो वैसे सिंपल सा फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर प्रॉफिट डिवाइड में सीपीयू निकाल लो, पीवी रेशियो निकालो, तो पीवी रेशियो से निकाल लो, पीवी रेशियो आराम से निकल गया होगा, नो है नो डिवाइड में 24 कितना आता है, निकालो निकालो कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं से निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी थी 72,000, डिजायर प्रॉफिट कितना है 90,000, और डिवाइड में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होता है आपका 9, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1,62,000 डिवाइड में 1,62,000 डिवाइड में 9, कितनी यूनिट आती है 18,000 यूनिट्स आ गई। अमाउंट में भी निकालना है तो 18,000 मल्टीप्लाई 24 निकल के आ गया। हाँ जी आ गया समझ, बिल्कुल आसान से है, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, पूरे आपको मार्क्स देते हैं। पीवीएचओ में हाँ 9 डिवाइड में, ठीक है ऐसे निकल जाएगा पीवी रेशियो, और ये मल्टीप्लाई क्या कर दिया 100 तो निकल जाएगा, निकल जाएगा अपने आप, 100 कर दो मल्टीप्लाई अपने आप लग जाता है पीवी रेशियो में, 100 अपने आप लग जाएगा, ठीक है। हाँ भाई आया समझ में सभी को? हाँ भाई अरे बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है ना, कभी फिर बाद में कहो।
पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 4,50,000 उसी तरीके का क्वेश्चन है। पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है एंड देन आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट टू अर्न ₹4,50,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है आपकी 90,000, फटाफट करना है आपने बहुत जल्दी से स्पीड से। फिक्स कॉस्ट कितनी है 90,000 आपके पास, आपके पास दे दिया वेरिएबल कॉस्ट, ये दे दी मैंने ऐड करके दे दी 7, वेरिएबल कॉस्ट दे दी ₹7 पर यूनिट, अलग अलग दे रखे तो आप इकट्ठा कर लोगे। ठीक है, और सुनो ये आगे एक चीज़ दे दी, डायरेक्ट ओवरहेड और दे दिए जो कि 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर दे दिए, तो डायरेक्ट लेबर है 2, मतलब कि इसी का मतलब इसमें ओवर ऐड कर लो कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 9, उस और कॉस्ट दे रखी थी, तीनों दे रखी थी, प्राइम कॉस्ट दे रखी थी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड, तो टोटल 9 मैंने लिख के दे दिया आपको, कोई इशू नहीं है इसका। और आपका सेलिंग प्राइस दे दिया 12, सेलिंग प्राइस ₹12 पर यूनिट। आपको क्या कैलकुलेट करना है पता है ना, पहला काम है ये कैलकुलेट करना, दूसरा को काम है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, और तीसरा काम है इतना प्रॉफिट कमाना है आपने 4,50,000। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कितना था हमारे पास, ये था कि जो सेलिंग प्राइस था ना वो तो थी हमारे पास 12, वेरिएबल कॉस्ट थी 9, तो ये आ गया 3। देखो पीवी रेशो ऐसे भी निकाल लो, यहाँ से भी निकाल लो, ये सीपीयू आ गया, पीवी रेशो निकालना 3 ÷ 12 × 100, तो कितना आया 25, ये चीज़ निकल गई। ठीक है, फिर आपने निकालना था ब्रेक वन पॉइंट, ब्रेक वन पॉइंट, तो ब्रेक वन पॉइंट निकालना कैसे भी निकाल लो, जो यूनिट्स में निकाल लो, अमाउंट में निकाल लो। पहले तो फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 90,000 आपके पास फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सीपीयू से निकाल लो 3, कितनी आया 30,000 आपके पास आ गया, यूनिट्स में आ गया कि 30,000 यूनिट्स की सोल्ड करोगे तो आपको सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पे आओगे। अमाउंट भी निकालना है, दोनों तरीके हैं, एक तो ये तरीका है 90,000 ÷ 25% × 100, तो कितना आया आपके पास 3,60,000, और दूसरा तरीका है इसको सीधा सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो भी कितना आता है 3,60,000, दोनों से निकल गया। तीसरी चीज आई डिजायर प्रॉफिट की, सेल्स एट डिजायर प्रॉफिट, तो देखो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड में सीपीयू, किसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, जितना भी है प्रॉफिट उतना ऐड कर दो डिजायर प्रॉफिट, तो यानी आपके पास आ गया फिक्स कॉस्ट कितनी थी 90,000 और डिजायर प्रॉफिट था 4,50,000 रुपये का, और ये आपके पास था 3, तो यानी 5,40,000 डिवाइड में 3, तो 1,80,000 यूनिट्स में आ गया आपके पास, किस में आ गया यूनिट्स में, आपकी सेल्स आ गई, और आपको इन अमाउंट में चाहिए तो आप क्या करोगे 1,80,000 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से 20, कितना है 12 से, तो जो भी आएगी वैल्यू आपकी आ जाएगी। हाँ जी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? Yes, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिएबल कॉस्ट 15 क्वेश्चन है, सभी ने करना है फटाफट, वेरिएबल कॉस्ट ₹15 पर यूनिट। नेक्स्ट आइटम है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है आपकी 54,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 20, सेलिंग प्राइस आपकी ₹20, ठीक है, और ये कहता है व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ दी ब्रेक वन पॉइंट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 6,000 यूनिट। क्या पूछ रहा है आपको, ये बताना है कि ब्रेक वन पॉइंट आपका 6,000 यूनिट्स पे आ जाए तो आपको कितना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये डेटा है आपके पास, सेलिंग प्राइस अभी ₹20 है इस वक्त, ठीक है, आपने क्या करना है, और वेरिएबल कॉस्ट आपको ₹15 दे रखी है, फिक्स और 54,000, ये चाहते हैं कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो 6,000 यूनिट्स पे आ जाए, सिंपल सी चीज़ है, आपने बताना है कैसे करोगे। देखो कैसे आएगा भाई,
पहले कैलकुलेट कर लो प्रेजेंट लेवल का ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है ये, फिक्स कॉस्ट डिवाइड में सीपीयू। फिक्स कॉस्ट कितनी है 54,000 और सीपीयू कंट्रीब्यूशन कितना है 5 रुपये। और इसको जब सोल्व किया तो आपके पास कितनी आ गई, यूनिट्स आ गई। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें ये कह रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए 6,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है 54,000, मतलब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। और नीचे ये क्या है आपका कंट्रीब्यूशन, तो ये आपका आ गया सीपीयू, मतलब इसी में चेंज होगा जो कुछ होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीपीयू आ गया आपके पास 54,000 डिवाइड में 6,000, कितना आया 9 रुपीज़ क्या आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो ये होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिर कंट्रीब्यूशन, ये कितना आपका 9 आ गया। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 9। कभी भी वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आपकी 15, तो कितना आ गया ये सेलिंग प्राइस 24 रुपीज़। हाँ जी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था भाई आपका है। कैसे क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन आपका हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज पीवी रेशियो, पीवी रेशियो को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है आपने बताना है, होगा या नहीं। पहले पीवी रेशियो का देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपके पास, इन दोनों को आपने बस ये बताना है कि मैच करेगी या नहीं। फर्स्ट कंडीशन है बाई इंक्रीजिंग सेल्स, क्या सेल्स वॉल्यूम्स को बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, आप ही बताओ। सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा के वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, ठीक है सर, ओके यस। और पीवी रेशियो, सेल्स वो भी बढ़ेगा, देखते हैं। देखो पहली यूनिट हो रही थी आपके 1,000 सोल्ड, 70% वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं, 1,000 का मान लो 700 रुपये, ये कितना आया 300। अब मैंने लिखा 2,000 तो ये आया 1,400, तो ये आया 600। ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो बड़ा। पीवी रेशियो देखो, इसमें भी आपका 30% था और इसमें भी आपका 30% है ना। तो सेल्स वॉल्यूम्स को बढ़ाकर पीवी रेशियो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना, पक्की बात है। सेल्स वॉल्यूम्स को इनक्रीज देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, आप और बढ़ा लो 3000 यूनिट कर लो, उसी हिसाब से इसी प्रोपोर्शनेट में ये बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 2100, ये आया 900, इसका तो वही 30% आ रहा है, नहीं बढ़ा। वॉल्यूम को इंक्रीज करके सेल्स आपका पीवी रेशियो नहीं बढ़ सकता, सिर्फ प्रॉफिट्स बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर प्रॉफिट्स बढ़ाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है ओके, सेलिंग प्राइस को बढ़ा के बढ़ाए जा सकते हैं। और क्या सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर पीवी रेशियो बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ा, नहीं, यस और नो, हाँ सेलिंग प्राइस को, यही चीज आपके पास पहले 10 रुपीज था, अब 12 कर लो बढ़ जाएगा। अभी आपने बढ़ाया भी है पिछले क्वेश्चन में, 9 पीवी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था, फिर उससे पहले आपका कितना था, हाँ तो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पीवी रेशियो बढ़ जाएगा। पहले देखो पहले कितना था फिर कितना हो गया, तो मतलब क्या आया कि बाय इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट उतनी रहनी 7 रुपये, पहले आपका कंट्रीब्यूशन आया था 3 रुपये, आप सेलिंग प्राइस कर दो 10 से लेके 15 तो बढ़ गया तो वो भी बढ़ जाएगा पीवी रेशियो भी, सिंपल सी बात है, बात समझे ना। तो सेलिंग प्राइस को बढ़ा के आप पीवी रेशियो को बढ़ा सकते हो, ठीक बात है या नहीं। तीसरा, बाय डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट,
बाय डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, हो सकता है प्रॉफिट बढ़ सकता है, कॉस्ट कम हो रही प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, ठीक है। और पीवी रेशियो, पीवी रेशियो देखो 10:7 कितना है 3, 10:6 4 40% आ गया, बढ़ गया, बढ़ जाएगा ना। तो यानी ये भी चीज़ इसमें दोनों में अप्लाई होती है, ये भी अप्लाई होती है, ये इसमें अप्लाई नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, फिक्स कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन पीवी रेशो उसके आगे की काम नहीं करता, तो फिक्स कॉस्ट का सिर्फ प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीवी रेशो यहाँ तक ही फर्क डालता है इस तक, और प्रॉफिट का आपका यहाँ तक का काम है। तो यानी इन चीज़ों में, ये इसमें भी चेंज करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, तब जाके प्रॉफिट में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था आज के कुछ MCQs, अभी वो शायद मीनाक्षी की क्लास होगी वो अटेंड करो।